नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्म खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ अभी हैं अरूप जी, और सीधे असम से जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं, कैसे हैं अरूप जी? हाउ इज लाइफ, हाउ इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज गुड, नॉट बैड. एंड यू आर अर्लियर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यू ट्राई टू कॉन्टेक्ट, बट ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल आई कांट कॉन्टेक्ट. सो राइट नाउ फ्री टाइम टू टॉक विद यू. आई थिंक आई एम लकी इनफ दैट आई फाइनली गॉट सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। अरुणिता का शो बहुत ही सुंदर लगा, मैं पूरा शो देख भी रही थी, बहुत सारे सुंदर गाने थे। उस बारे में बताइए, कहाँ से ये शो करने की सोची आपने और इसके पीछे क्या एक इंस्पिरेशन रही? इंस्पिरेशन मतलब आजकल आप लोग तो जानते हैं रियलिटी शो में ज्यादा लोग पसंद करते हैं. तो इंडियन आइडल में वो पवनदीप और अरुणिता अच्छा गाते हैं, तो ये स्कूल का एक गोल्डन जुबली था. तो स्टूडेंट लोग मतलब बोल रहा था कि न्यू सिंगर है अरुणिता, उन लोगों की उम्र के जैसे ही है. तो पुराने पुराने सिंगर के गाने तो हम लोग लाइव शो देख चुके हैं, तो पवनदीप अरुणिता ऐसा देख लूं. फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं खुद रिसेप्शन कमिटी का प्रेसिडेंट हूँ, आरसी का प्रेसिडेंट हूँ, और स्कूल मेरा पिताजी ने एस्टेब्लिश किया था, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है चलो अरुणिता लेके आते हैं. फिर अरुणिता आया, अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छा लगा. इतना शोर का नहीं था, सिंपल अच्छा गाना था, आदमी लोग अच्छी तरह सुना, बहुत आदमी हुआ. तो कितने शी थे? ऑल्सो बाप फेल्ड, 1 लाख तो रे, इतने सारे? था. हाँ ओपन था ना फंक्शन, डेफिनेटली। बट शी ऑल्सो फेल्ट वेरी नाइस परफॉर्मिंग दिस इवेंट. वहां पे तो लाइक बच्चे भी थे, वो आई थिंक आपकी फैमिली थी क्या साथ में? हाँ, मेरा फैमिली था, मेरा बच्चा था, दो ट्विन बेबी है, अरे मेरे घर वाह। में आया था, आई थी तो अच्छा लगा, मेरे घर के सामने ही था प्रोग्राम. बहुत अच्छा, ओके, लवली। तो आपने पवनदीप के निका लिए, प्रॉब्लम है. हाँ जी, हाँ आपने बोलिए. पवनदीप के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि पवनदीप के लिए भी उतने ही आपके बारे में, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पवनदीप को भी बुलाओ, तो साथ में बुला लेते, ऐसा कुछ नहीं सोचा? पवनदीप को बोला था, लेकिन पवनदीप का कोई दूसरा जगह में शो था हाँ, दैट्स ट्रू। तो वो नहीं आया. वो कहा नागपुर ना कहाँ पे प्रोग्राम किया था, 10 तारीख को 8 तारीख ना कोई प्रोग्राम किया था. मैंने बोला कि तुम आ जाओ 9 तारीख, नहीं 10 तारीख सुबह आ जाओ, लेकिन आए नहीं. तो मैंने बोला ठीक है पवनदीप नहीं गए तो अरुणिता के आने दो. बहुत अच्छा हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम पवनदीप को सोचूंगा लाने के लिए. तो आप इन दोनों को सुन चुके हैं, रियलिटी शो आप इंडियन आइडल देख चुके हैं? हाँ कभी कभी फेसबुक में आते हैं, कभी कभी उन लोग भी देखने का फुर्सत कहाँ मिलते हैं हम लोगों को. तो फेसबुक जब थोड़ा फेसबुक ऑन कर लेता हूँ तब आते हैं. ओके। और कहीं सुनने में तो बात ये भी आ रही थी कि आप कोई म्यूजिक एल्बम भी बात कर रहे हैं उन्हें बुलाने की, और क्या क्या है वो, थोड़ा सा जान। मैं जब पॉलिटिशियन नहीं था तब मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट, तब से मैं रियलिटी शो देख के आ रहा हूँ. 2005 में जब असम का देवोदित शाह जी से विनर हुआ था तो बहुत शोर मचा, ढोल डाल सब था. फिर 2-3 साल वो उसका कोई नाम मिस्टर इंडिया बन गया, कोई नाम ठिकाना नहीं है. उसके बाद उनिक धर हुआ था, संचिता, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं रियलिटी शो से. जो जो निकलते हैं पहले तो अच्छा ही गा लेते हैं, कुछ कर लेता है, लेकिन 2-3 साल बाद वो लोग गायब हो जाते हैं. तो फिर अच्छा कोई अच्छा आदमी गाइडेंस नहीं मिलता है. आफ्टर ऑल आई एम म्यूजिक लवर, आई लव म्यूजिक. सो मैंने सोचा कि अगर 2-3 साल बाद उसका भी इस तरह सिचुएशन आई तो मैं एक दो एल्बम का प्रोड्यूस कर दूंगा, ऐसा मैंने सोचा. तो प्रोड्यूस करने में तो ज्यादा पैसा नहीं चाहिए ना, इसलिए 2-3 साल
अगर कुछ ऐसा मौका मिला तो कर देंगे, टैलेंट को ओके आगे लेके जाना, इसलिए और बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बोडोलैंड बहुत अलग वजहों से मशहूर रही है या खबरों में रही है कि अभी वहां सब शांति है, वहां पर सब लोग अभी वापस अभी से। जितना जितना सारा प्रॉब्लम था सब सॉल्व हो गया, अभी शांति ही शांति है बॉर्डरलैंड में, अभी कोई अशांति नहीं है, सिर्फ ओम शांति। तो इसलिए नो प्रॉब्लम, अभी चुप्पी हो गया। जो संघर्ष था एनडीएफबी, जो आतंकवाद लोग थे अपने जाति के लिए अपने नेशन के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो एग्रीमेंट हो चुका है। हाँ अभी जी जो हथियार वगैरह लिया था वो हथियार मतलब सरेंडर करके अभी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी नो प्रॉब्लम अभी तो अब उसमें। हेमंता जी के बारे में भी सुना है कि वो आपसे बहुत अलग से स्नेह रखते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो कहाँ मतलब आप तो हेल्थ के विषय को देखते हैं, क्या नहीं, इन दोनों का लाभ? हमारा जो सीएम सर है बहुत डायनामिक है और दैट वी ऑल नो। हमारा आई मीन महाराष्ट्र से उनका कितना अच्छा कनेक्शन रहा पिछले कुछ महीनों पहले, मैं अच्छे से उसको फॉलो कर रही हूँ। तो इसलिए हमारा सीएम सर हर युवा को मौका देते हैं काम करने के लिए, और काम करने वाले बंदा को, ये पॉलिटिशियन को बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो हर आदमी को ही प्यार करते हैं। और अब जो अभी मुझे प्लेटफॉर्म मिला, जो मैं डिपार्टमेंट अभी चला रहा हूँ, तो हेमंत जी ने दिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे चला रहा हूँ बहुत अच्छे तरह से, उनका बहुत प्यार है, बहुत छोटा भाई जैसा प्यार करते हैं, कभी गलतियां हो जाते हैं तो डांट पड़ते हैं, और जब अच्छा काम करता हूँ तो गुड सर्टिफिकेट भी मिलता है, हाउ तो स्वीट। अच्छा लगता है। हर पॉलिटिक्स में गुरु चाहिए, विदाउट गुरु तो आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं, पॉसिबल नहीं तो मेरे लिए गुरु है, अभी है। ओ छोटा भाई जैसा हूँ इसलिए काम करते जा रहा हूँ। लवली। तो आगे चल के कहीं हेमंता जी ने बोला कि चलिए भाई हमें भी थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट वाली बात हो जाए, हमारे भी कानों में अच्छी सी आवाजें जाएं, तो क्या आप बुलाएंगे अरुणिता और पवन को? हाँ जरूर, पवनदीप नेता को दूसरे हमारे अलग अलग ये जो डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हुआ है, तो हमारे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो जब दूसरा डिस्ट्रिक्ट में कोई इस तरह का इवेंट होगा तो जरूर बुलाएंगे। या हेमंता जी को पसंद है ऐसा संगीत हाँ हाँ और हाँ हाँ फिल्मी हाँ सॉन्ग्स? हाँ ही लव्स म्यूजिक, ही लव्स लिटरेचर, ही लव्स पुअर पीपल, ही लव्स कंट्री, हाँ ही लव्स दैट सब, मन ही हैज एवरी क्वालिटी एंड ही इज अनदर वन अमंग ऑल पीपल। आई एम श्योर आई कांट आई तो कांट आई कांट आई कांट कंपेयर हिम विथ एनी अदर पर्सन बिकॉज ही इज एक्स्ट्रा। सो राइट नाउ, सो लेट्स सी, आई थिंक वन डे ही ऑल्सो विल बी लाइक मोदी जी। हाँ मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं हिमांता जी को नहीं, आने वाले इमेजिन दिनों नहीं, में। इमेजिन इमेजिन नहीं, हम लोग का अच्छा फुल कॉपरेशन, हम लोग का फुल कॉपरेशन रहेगा, और हम लोग तो पूरा दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि इंडिया को नेतृत्व देने के लिए इस तरह का लीडर ही चाहिए इंडिया में। इतना डायनेमिक होना जरूरी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो अभी जाता जितना सारा नेशनल मीडिया है, आप देखिए हमारा सीएम सर का कितना सारा इंटरव्यू हो रहा है, दिल्ली बुला रहे हैं, और हमारा सीएम सर जाने का फुर्सत भी नहीं मिलता है, और न्यूज चैनल भी बहुत टीआरपी लेते हैं अभी हमारे सीएम सर को लेके, जी जी तो जी इसलिए उसका थिंकिंग हमेशा अलग है और हमेशा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ये आसाम क्या था और क्या बना दिया। आप एक बार यस आसाम आइए, घूम के जाइए, बॉर्डर घूम के जाइए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आसाम क्या था और क्या बन गया। हाउ ब्यूटीफुल। हर तरफ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बोला जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर अली गली में जितने सारे रास्ते हैं सब अच्छा हो रहा है। शिवाजी फिल्म देखे थे नाइस। आपने, साउथ इंडियन फिल्म हाँ जी शिवाजी हाँ जी हाँ जी हाँ जी रजनीकांत का, हाँ जी तो रजनीकांत ही कह सकते हैं, चारों तरफ से चारों तरफ इस तरह इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, रास्ता हो, सभी हो, तो इस तरह का अच्छा प्रॉब्लम। अब आप सर्टनली, मैं समझ रही हूँ कि आप दर्द से परेशान हो रहे हैं। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बड़े हैं आप, उम्र में तजुर्बे में बड़े हैं, पवन और अरुणिता को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, स्पेशली अरुणिता को क्योंकि वो तो अभी आकर गई है।
नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये अरुणिता अभी भी उम्र कम है, अभी भी उतना नर्वस फील करते हैं। हाँ, कभी कभी ज्यादा आदमी देख लिया बोर्ड शोर में देखा, नर्वस फील, नर्वस हो जाते हैं, पाबंदी भी हो जाता है। मेरा हमेशा मतलब विश रहेगा वो लोग आगे बढ़े, क्योंकि जिन लोगों का टैलेंट है, क्वालिटी है, उसको कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल और जिस जिस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करे, कोई पॉलिटिक्स हो, कोई सॉन्ग मतलब गाना म्यूजिक हो, कोई लिटरेचर हो, जो भी हो, जो जिस तरह से मशहूर है, टैलेंट है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। दैट्स ट्रू इसलिए उन लोगों का जो क्वालिटी है, मैं तो जब मैं छोटा था तब एक बार प्रोग्राम देखा था अभिजीत के साथ, सुनिधि चौहान, बहुत कम उम्र से वो गाना गाती थी, सुनिधि चौहान, बहुत कम उम्र हाँ से जी आज भी हाँ वो जी गाना गाती हाँ है। जी तो इस तरह मैं फील करता हूँ, अरुणिता भी इस तरह ही है, खूब कम उम्र से शुरू किया है। शी हैज फ्यूचर, पवनदीप ऑल्सो हैज फ्यूचर, दे हैव क्वालिटी वॉइस। सो मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े, और देख म्यूजिक ऐसा एक चीज है, मतलब जितना भी प्रेशर आ जाए, एक बार म्यूजिक सुन लिया, गाना सुन लिया तो रिलैक्स। That's true. तो इसलिए उन लोग अच्छा वॉइस दे, अच्छा अच्छा गाना गाए, और हम लोग सुने, जितने भी स्ट्रेस है गाना सुन के हम रिलैक्स फील करें, यही चाहूंगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट. अच्छा लगा आपसे श्योर मिलके. आप प्लीज अपना ध्यान रखिए. आप कहने के लिए भले श्योर, हेल्थ मिनिस्टर हैं, लेकिन आप भी इंसान हैं. प्लीज टेक मेडिसिन एंड टेक रेस्ट. जय हिंद जी. ठीक है, थैंक यू, जय हिंद. थैंक यू।